हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्त आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी प्रीलिम्स क्रैश कोर्स में आज हम महारत्न कंपनियाँ और नवरत्न कंपनियाँ पढ़ने वाले हैं। और ये कौन कौन सी कंपनियाँ हैं, क्या इनके लिए क्राइटेरिया है कि ये कंपनी महारत्न हो जाएगी, ये कंपनी नवरत्न हो जाएगी, वो हम आज पढ़ेंगे। यूनिट 6 का महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक प्रश्न यहाँ से मान लीजिए आना ही आना है। और हमारी जो एमपीपीएससी प्री क्रैश कोर्स के लिए एन सीरीज चल रही है, उसका ये 48वां भाग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सबसे पहले हम महारत्न कंपनियों के बारे में देखते हैं। महारत्न कंपनी की स्थापना कब हुई थी? महारत्न कंपनी की स्थापना कब हुई थी? महारत्न कंपनी की स्थापना हुई थी 2009 में। भारत सरकार ने महारत्न कंपनी की स्थापना कब की थी? 2009 में की थी। वर्तमान संख्या इसकी कितनी है? वर्तमान संख्या 11 है। देखिए, बहुत सारी जगह पे 10 यहाँ पे लिखा हुआ होगा, क्योंकि अभी रिसेंटली ही जो एक नवरत्न कंपनी थी PFC, उसको महारत्न कंपनी का दर्जा दे दिया गया है। तो इसलिए अब जो नवरत्न कंपनियाँ हैं वो 14 थी, तो वो अब 13 हो गई हैं, और जो महारत्न कंपनियाँ 10 थी वो अब 11 हो गई हैं। तो याद रखिएगा, महारत्न कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 2009 में हुई थी। महारत्न कंपनी की वर्तमान में संख्या कितनी है? 11। दोनों ही फैक्ट याद रखिएगा। वर्तमान में भारत में महारत्न कंपनियाँ कितनी है? 11 है। स्थापना कब हुई थी? 2009 में हुई थी। अब आपके पास अगर कोई कंपनी महारत्न कंपनी होना चाहे तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया, उसके लिए क्या शर्त होती हैं, ये आपसे ऑप्शन में पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो आपसे यही पूछ सकते हैं कि महारत्न कंपनी की शुरुआत कब हुई थी, है ना। महारत्न कंपनी को कब आरंभ किया गया? तो 2009 में किया गया था। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि वर्तमान में इसकी संख्या कितनी है, तो महारत्न कंपनियां वर्तमान में 11 हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नई महारत्न कंपनी हाल ही में किसको बनाया है, तो PFC को बनाया है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड को। अब हम देखते हैं शर्त इसकी क्या है। तो शर्त क्या है? सबसे पहले तो कोई कंपनी महारत्न कंपनी तब होती है जब वो पहले से ही ऑलरेडी नवरत्न कंपनी में हो, है ना। तो इसका औसत सालाना शुद्ध लाभ, मतलब पूरा टैक्स वैक्स दे के शुद्ध लाभ जो बचे वो 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो पिछले 3 सालों में। 3 क्राइटेरिया इसके रहते हैं। पिछले 3 सालों में टैक्स भुगतान करके जो औसत शुद्ध लाभ हो 5000 करोड़ से ज़्यादा हो। पिछले 3 सालों में शुद्ध संपत्ति जो हो औसत वो 15000 करोड़ से ज़्यादा हो। और पिछले 3 सालों के दौरान औसत सालाना कारोबार 25000 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो। ये 3 महत्वपूर्ण शर्तें हैं। क्या? कि जो शुद्ध लाभ हो वो 5000 करोड़ से ज़्यादा हो, शुद्ध संपत्ति हो वो 15000 करोड़ से ज़्यादा हो, और जो शुद्ध कारोबार हो वो 25000 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो, है ना। शुद्ध लाभ कितना? 5000 करोड़ से ज़्यादा। औसत सालाना शुद्ध संपत्ति 15000 करोड़ रुपए से ज़्यादा। और पिछले 3 सालों के दौरान औसत सालाना कारोबार 25000 करोड़ से ज़्यादा हो। ये 3 इसकी क्राइटेरिया है, 3 इसकी कंडीशन शर्त हैं। लाभ 5000 करोड़, संपत्ति 15000 करोड़, कारोबार 25000 करोड़। 5, 15, 25, है ना, ये इसकी शर्तें हैं। वैश्विक स्तर पर इसकी महत्वपूर्ण स्थिति हो। अब हम पढ़ते हैं जो जितनी भी महारत्न कंपनियां हैं 11, उनके बारे में। फ्रेंड्स, इनके निदेशक, महारत्न कंपनियों के जितने भी निदेशक हैं वो आपको ऐसे याद तो होंगे नहीं, इसलिए उनको मैं ट्रिक द्वारा याद करवाऊंगी। जितनी भी, जैसे कि ONGC की अभी एक महिला निदेशक बनी है अलका सिरोही, तो ऐसे पूरे महानिदेशक जो हैं उनको मैं ट्रिक द्वारा करवाऊंगी मेरे न्यू चैनल GK ट्रिक विद आकांक्षा पर। तो महारत्न कंपनी के निदेशक और नवरत्न कंपनी के निदेशक जितने भी हैं, उनके अध्यक्ष निदेशक, सबको मैं ट्रिक द्वारा कल आपको मेरे ट्रिक्शा वाले चैनल पर करवाऊंगी, जिसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगी। ट्रिक का चैनल मेरा ये नहीं है, GK ट्रिक विद आकांक्षा मेरा दूसरा चैनल है, वहीं पर आपको वो उसकी लिंक मिलेगी। तो उसको चैनल पर जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कल जब इनकी महानिदेशक कौन है इसकी ट्रिक आएगी तो आपको वहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो सबसे पहले महारत्न कंपनी देखते हैं हम, BHEL। सबसे पहली कौन सी है? BHEL है। BHEL की स्थापना हुई थी 1964 में, और इसका फुल फॉर्म होता है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। BHEL का फुल फॉर्म क्या होता है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। और ये कहाँ पर है? इसका मुख्यालय दिल्ली में है। याद रखिएगा, BHEL पहली महारत्न कंपनियाँ हैं। मैं एक आपको ट्रिक बताऊंगी, तो उससे आप ये पहचान पाएंगे कौन सी महारत्न है और कौन सी नवरत्न है। दूसरा है BPCL। बी से यहाँ पे 2 कंपनियाँ हैं, एक BHEL है और एक BPCL है। BHEL का फुल फॉर्म क्या होता है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड।
और BPCL का फुल फॉर्म है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1952 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में। देखो मेनली जितने भी कंपनीज हैं ज़्यादातर के मुख्यालय नई दिल्ली में है, लेकिन कुछ कुछ के हेडक्वार्टर जो है अलग अलग जगह पे हैं। वो कुछ के जो अलग हैं वो आप याद कर लो, बाकी का जो आप दिल्ली में ऑप्शन लगा दी। जैसे कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना हुई थी 1952 में। तो BPCL भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड 1952 में बना, मुख्यालय कहाँ है इसका, मुंबई में है। तीसरा है IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना हुई थी 1959 में। IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड स्थापना कब हुई थी, 1959 में हुई थी और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। अगला है PFC वही जिसको अभी अक्टूबर 2021 में महारत्न कंपनी का दर्जा दिया है, ये पहले नवरत्न कंपनी था। PFC का फुल फॉर्म है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और इसकी स्थापना 1986 में हुई थी और ये दिल्ली में है। अगला है ONGC का फुल फॉर्म होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस, इसकी स्थापना हुई थी 1956 में और इसका मुख्यालय है दिल्ली में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, दिल्ली में है। अगला है सेल का फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल की स्थापना हुई थी 1954 में और इसका हेडक्वार्टर या जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, दिल्ली में। सेल का फुल फॉर्म क्या है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगला है HPCL का फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये 1974 में बना और इसका मुख्यालय है मुंबई में। याद रखिएगा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय मुंबई में है, ये दोनों आपको याद रखना है कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड दोनों का मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में है, ये वाला भी याद रखना है आपको। एक है PGCIL, ये एक ऐसा इकलौता महारत्न कंपनी है जिसका नाम इतना बड़ा है ना, बाकी ये एक आपका दिमाग में एक ट्रिकी हो जाएगा कि शॉर्ट शॉर्ट से जो नाम है बहुत वो महारत्न कंपनी में ही है, बड़े अच्छे से दिख रहे हैं, ज़्यादा नाम सुना है और एकदम व्यवस्थित से हैं, और में जो नवरत्न कंपनी है उनके नाम बहुत बड़े बड़े हैं, अभी आप देखेंगे। तो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पावर से दो महारत्न कंपनियाँ हैं, एक है PFC पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और एक है PGCIL। PGCIL का फुल फॉर्म है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्थापना हुई थी इसकी 1989 में और इसका मुख्यालय है गुरुग्राम में। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड PGCIL पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 1989 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय है गुरुग्राम में। अगला है NTPC, NTPC का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड, NTPC का फुल फॉर्म क्या है, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना हुई थी 1975 में और इसका मुख्यालय है दिल्ली में। NTPC का फुल फॉर्म क्या है, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड, NTPC का फुल फॉर्म क्या है, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना हुई थी 1975 में और इसका मुख्यालय है दिल्ली में। अगला है GIL गेल इंडिया लिमिटेड, तो गेल इंडिया लिमिटेड का जो स्थापना हुई थी 1984 में हुई थी, ये GAIL होता है गेल, तो गेल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1984 में हुई थी और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला है CIL की स्थापना हुई थी 1975 में और CIL का फुल फॉर्म है कोल इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय है कलकत्ता में। सी से याद रखिएगा कोल और सी से ही याद रखिएगा कलकत्ता। अब मैं आपको उनके नाम बताने वाली हूँ जिनका मुख्यालय दिल्ली में नहीं है। सबसे पहले तो CIL कोलकाता में है, कोल इंडिया लिमिटेड का कोलकाता में है, उसके बाद पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड PGCIL का गुरुग्राम में है, CIL कोल इंडिया लिमिटेड कलकत्ता में है,
PGCIL पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का गुरुग्राम में है। इसके बाद हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड मुंबई में है और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड मुंबई में है। बाकी सभी जितने हैं, ये चार को छोड़ के बाकी जितने हैं ना, बाकी सभी आपके दिल्ली में हैं। तो ये आपको याद रखना। एक बार और मैं आपको भारत कंपनी को नाम जल्दी बता देती हूँ। BHEL वेल, BPCL, IOCL, PFC, ONGC, सेल, HPCL, PAGCIL, NTPC, GAIL, गेल और CIL कोल इंडिया लिमिटेड, ये महारत्न कंपनियां हैं। आई होप आपको ये पूरा याद हो गया होगा। अब हम पढ़ेंगे नवरत्न कंपनियां। इन महारत्न कंपनियों की जितनी है 11 महारत्न कंपनियां हैं, इनके निदेशक मैं अपने ट्रिक वाले चैनल पर कल करवाऊंगी। इनसे आपको पूरी महारत्न कंपनियां याद हो जाएंगी। ट्रिक वाले चैनल पर इनकी स्थापना कब हुई ये भी ट्रिक से बता दूंगी, क्योंकि स्थापना हो सकता है भूल जाए। और इसके बाद ट्रिक भी ये भी बता दूंगी कि किस कंपनी के कौन से निदेशक है, तो वो आपको ट्रिक द्वारा मैं कल करवाऊंगी। मेरे ट्रिक वाले चैनल पर लिंक कमेंट बॉक्स में मिलेगी। नवरत्न कंपनियां पढ़ने से पहले फ्रेंड्स आप मेरे नोट्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ये MBPSC प्री नोट्स हैं, ये 12 बुकलेट आपको मिलती हैं। आप कहीं भी भारत में रहते हैं ये आपके पास पहुँच जाएंगी 4 से 5 दिन में। और ये बहुत अच्छे से हैंड रिटन प्लस प्रिंटेड नोट्स इनको तैयार किया गया है। ये MBPSC की रामबार टेस्ट सीरीज है। इसमें 50 टेस्ट हैं, मतलब टोटल 5000 MCQ हैं। हर टेस्ट में इसमें 100 प्रश्न दिए गए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हर टेस्ट में एक टेस्ट 100 क्वेश्चन का है और हर यूनिट से लगभग 300, 400, 500 प्रश्न इसमें लिए गए हैं। बहुत ही शानदार तरीके से इसमें करंट अफेयर सहित ये तैयार है। इसकी PDF आपको 999 में मिलेगी और इसकी हार्ड कॉपी अगर आप घर मंगाना चाहते हैं तो 1999 में मिलेगी। इसके अलावा आप हमारी ये ई-बुक भी ले सकते हैं, मध्य प्रदेश की वार्षिकी, मध्य प्रदेश की मासिकी, भारत और विश्व करंट अफेयर, मध्य प्रदेश के 5000 वर्ल्ड लाइनर, मध्य प्रदेश जी के 1000 वर्ल्ड लाइनर और मध्य प्रदेश के वस्तुनिष्ठ। इसके अलावा ये मध्य प्रदेश खेल समसामयिकी की है, 30 रुपये की इसकी PDF है। ये मध्य प्रदेश बजट है, ये 20 रुपये की PDF है इसकी। ये भारत और विश्व भूगोल 2230 वर्ल्ड लाइनर है, इसमें इसकी PDF 3500 रुपये की। और ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर 149 रुपये की PDF है। तो अगर आप ये मंगाना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं नवरत्न कंपनियाँ। 1900 जैसे कि महारत्न कंपनी की शुरुआत कब हुई थी, 2009 में हुई थी, ऐसे ही नवरत्न कंपनी की शुरुआत 1997 में हुई थी। नवरत्न कंपनी की शुरुआत कब हुई थी, 1997 में हुई थी। और वर्तमान में इसकी संख्या कितनी है, 13। महारत्न कंपनी की संख्या कितनी है, 11, और नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी है, 13। जो कंपनी वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सकती है वो नवरत्न कंपनियों के अंदर में आ जाती है। इसके लिए शर्त क्या होती है कि इनको मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। मिनी रत्न जो कंपनियां होती है वो दो प्रकार की होती है, मिनी रत्न ए और श्रेणी ए और श्रेणी टू। और श्रेणी ए में रहती हैं वो बेस्ट होती हैं। तो जिन कंपनियों को नवरत्न कंपनियां हम बनाएंगे उनको मिनी रत्न ए का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। इसके निदेशक मंडल में 4 स्वतंत्र निदेशक होना चाहिए। ब्याज भुगतान के बाद भी प्रॉफिट अधिक होना चाहिए। कंपनी को केंद्र के तय 6 मानकों के आधार पर 100 में से 60 अंक जरूरी है। ये भी क्वेश्चन आपको बन सकता है। देखो अगर सिलेबस में दिया है कोई अलग से मेंशन करके तो कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, उसको आपको अच्छे से कर लेना है। तो मिनी रत्न कंपनी का क्या, नवरत्न कंपनी के लिए क्या हो, दर्जा क्या हो क्राइटेरिया, सबसे पहले वो मिनी रत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हो उसको, उसके निदेशक मंडल में 4 स्वतंत्र निदेशक हों, ब्याज भुगतान के बाद प्रॉफिट अधिक हो, कंपनी को केंद्र के तय 6 मानकों के आधार पर 100 में से 60 अंक जरूरी है। ये 6 मानक कौन कौन से हैं, तो 6 मानक है, सबसे पहले जो निवल मूल्य है उससे शुद्ध प्राप्त हो, शुद्ध मूल्य से शुद्ध लाभ प्राप्त हो, कुल बिक्री पर जो टैक्स है वो दूसरा, वो क्या है, ये एक मानक रहेगा। तीसरा है प्रति शेयर से कमाई कितनी हो रही है, जिस क्षेत्र की कंपनी है उसका प्रदर्शन कैसा है, उत्पादन की लागत के लिए जनशक्ति कितनी लागत लगाई है, जनशक्ति कितनी लगी, व्यक्ति कितना लगा है, और नियोजित पूंजी पर मूल्यह्रास कितना है। ये 6 मानक जो हैं इनमें 100 में से कम 60 नंबर अगर आते हैं तो उसको नवरत्न कंपनी का दर्जा दे दिया जाता है। अब हम पढ़ते हैं कौन कौन सी नवरत्न कंपनियां हैं। सबसे पहले ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, देखो ये वो BHEL थी जो महारत्न कंपनी थी, और ये BEL है। तो ये BEL जो है वो नवरत्न कंपनी, इसकी स्थापना 1954 में हुई थी और इसका मुख्यालय बेंगलोर में है। अगला है कंटेनर कार्पो, ये अलग ही अलग नाम दिखेंगे आपको,
अलग समझ में आ जाएगा कि ये नवरत्न कंपनी है। देखो कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसको कॉनकॉर बोलते हैं, 1988 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय है दिल्ली में। नवरत्न कंपनी एक हो गई है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड VEL, दूसरी है कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड CU। ये कन्फ्यूज मत होइएगा BEL और BHEL में। BHEL जो है वो आपकी महारत्न है और BEL जो है वो नवरत्न है। तीसरी है इंजीनियर इंडिया लिमिटेड EIL, 1965 में इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय दिल्ली में है। चौथा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, याद रखिएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नवरत्न कंपनी है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL 1940 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय है बेंगलोर में। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL स्थापना हुई थी 1946 में दिल्ली में। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको स्थापना हुई थी 1981 में, मुख्यालय है भुवनेश्वर में। नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड NBCC 1960 में बना, दिल्ली में है। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड NMDC 1958 में हैदराबाद। देखो नेशनल नेशनल के नाम से तीन आए हैं, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। अगला है नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड 1956 तमिलनाडु में बना। ऑयल इंडिया लिमिटेड 1959 में असम में। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL 1982 में विशाखापट्टनम में। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड REC 1969 में दिल्ली में। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 1961 में मुंबई में। तो ये कुछ नवरत्न कंपनियां थी। नवरत्न कंपनी के लाभ क्या होते हैं, तो बिना सरकार की मंजूरी से ही नवरत्न कंपनी अगर कोई हो जाती है तो वो क्या हो जाता है उसको, बिना सरकार की मंजूरी से वो 1,000 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्ट कर सकती है, या कोई परियोजना में कुल मूल्य, कोई परियोजना में जितना भी पैसा लगना हो उसमें उसका 15% तक वो अपने से बिना सरकार की मंजूरी से निवेश कर सकती है। तो ये इसके लाभ हैं। फ्रेंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन हो जाइएगा। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में आपको हमारे नए चैनल ट्रिक की लिंक मिल जाएगी, जहां पे हम इनको इनके निदेशक को ट्रिक द्वारा पढ़ेंगे। इसके अलावा मैं व्हाट्सएप पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेंड कर रही हूँ व्हाट्सएप में स्टेटस पर। अगर आपका नंबर मेरे पास सेव है तो आपको वो स्टेटस दिख रहे होंगे, अगर आपका नंबर मेरे पास सेव नहीं है तो आप अपना नाम और नंबर लिखकर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपका नंबर सेव कर लूँगी, तो आपको भी वो स्टेटस मिलते रहेंगे। मिनी रत्न कंपनियाँ को याद करने की ज़रूरत नहीं है, मिनी रत्न कंपनी के बस इतना ध्यान रखिए शुरुआत 2002 में हुई थी। महारत्न कंपनी की कब हुई थी, 2009 में हुई थी। नवरत्न कंपनी की कब हुई थी, 1997 में हुई थी। मिनी रत्न कंपनी की कब हुई, 2002 में हुई। इनको दो वर्गों में बांटा है, श्रेणी वन और श्रेणी टू। श्रेणी वन में वो है जो 3 साल से लगातार लाभ हो रहा उनको, और 3 साल में कभी भी एक बार 30 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया उन्हें मिनी रत्न, मतलब नॉर्मल सभी कंपनियाँ मिनी रत्न वन और मिनी रत्न टू में आती हैं। श्रेणी टू में नेटवर्थ इनका 3 साल में सकारात्मक रहा हो वो श्रेणी टू में आते हैं। तो ये इस प्रकार से मिनी रत्न महारत्न और नवरत्न कंपनियां हमने पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये, अच्छे से इनको तैयार कर लीजिएगा। इसकी PDF अगर आपने हमारा प्री का नोट्स लिया होगा तो आपको एक ग्रुप मिला होगा, उस ग्रुप में मैं इसकी PDF डाल दूंगी एक बार रिवीजन के लिए, ये आपको इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा मैं सभी ग्रुप में भी इनको सेंड कर दूंगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।